नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याज की सब्जी। गर्मियों के दिनों में लगभग हर घर में प्याज की सब्जी बनाई जाती है क्योंकि ये काफी फायदा करती है। तो आज हम इसे कुछ अलग अंदाज में बनाएंगे जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और जब आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मसाले वाली प्याज की सब्जी। तो इसके लिए हमने करीब 15 प्याज लिए हैं और इन प्याज को हमने छील लिया है और धो करके रख लिया है। अब हम इनके इस तरीके से चीरे लगा देंगे। जहाँ तक हो सके आप छोटी साइज की प्याज लीजिए और इस तरीके से ये चार चीरे लगा देंगे। बिल्कुल नीचे तक हमें इसे नहीं काटना है। तो हमने सारे प्याज को काट लिए हैं, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी भुने हुए चने लिए हैं और इनके हमने छिलके भी निकाल दिए हैं। लगभग आधी कटोरी हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भी हमने भून करके और छील लिए हैं। और करीब आधी कटोरी यहाँ पर हमने सूखा नारियल लिया है। तो सबसे पहले हम इन दानों को पीस लेते हैं। अब हम मूंगफली के दाने और नारियल को भी पीस लेंगे। इसे पीसते टाइम हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि आसानी से पीस जाएगा। हमने यहाँ पर चने को इस तरह से पीस करके पाउडर बना लिया है और मूंगफली के दाने और खोपरे को इस तरह से पीस करके और ये पेस्ट बना लिया है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और ज़रूरत लगी थी इसलिए पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और पहले इसे मिला लेंगे। अगर ज़रूरत लगी तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। देखिए थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो मैं इसमें आधा चम्मच ऑयल और डाल देती हूँ। तो करीब 1.5 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है और इन्हें मिला लेंगे। इसके बाद हम मूंगफली और नारियल का पेस्ट डाल देंगे। अब डालेंगे हम 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, करीब आधी छोटी चम्मच हम इसमें कुटी हुई सौंफ डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच के करीब लहसुन का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन है तो आप इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की कूट करके डाल सकते हैं। तो पहले हम इन्हें मिला लेते हैं। हम इन्हें हाथ से ही मिलाएंगे अच्छे से। तो हमने सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, यदि आप मिर्ची या नमक कम है तो आप और डाल सकते हैं। तो आप देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और जब हमने पेस्ट बनाया था नारियल और मूंगफली का उस समय हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो इस तरह से ये मसाला बन के तैयार हो गया है। अब हम एक एक प्याज लेकर के और इसमें मसाला भर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मसाला भर दिया है। इसी तरह से हम सभी में मसाला भर लेंगे। बहुत ध्यान से हम मसाला इसमें भरेंगे वरना प्याज टूट सकते हैं। तो हमने सारे प्याज में मसाला भर लिए हैं और ये जो बचा हुआ मसाला है ये हम सब्जी में डालेंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख करके लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे और 3 लौंग डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरा हमने पहले भी डाला है सब्जी में इसलिए हम जीरा कम डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद हम इसमें 1 हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी इस तरह से डाल देंगे। गैस की आंच हम इस समय बिल्कुल धीमी कर देंगे और अब हम इसमें ये प्याज भी डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक करके धीमी आंच पर पकने देंगे। बीच में एक बार हम इसे चेक कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे
मिला लेंगे। करीब 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, तो अब हम इसमें 2 टमाटर जिसको मैंने मिक्सी में पीस करके इस तरह से पेस्ट बना दिया है डाल देंगे और इसे धीरे से हिला लेंगे और फिर से इसे ढक करके धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने देंगे। करीब 5 मिनट होने वाले हैं सब्जी को पकते हुए और आप देखिए प्याज हल्के से पकने लगे हैं। प्याज को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अब हम इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को अच्छे से प्याज में मिला दिया है, तो अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो मसाले में पहले ही अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, मैं मसाले में डालना भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल रही हूँ। फिर से ढक करके थोड़ी देर इसे पकने देंगे। 1 मिनट बाद हम ढक्कन उठा करके इसमें पानी के हल्के से इस तरह से छींटे डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। ढक देते हैं इसे। करीब 10 मिनट हो गए हैं और आप देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है। आप देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बस हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना देखिए प्याज टूट सकते हैं। ये देखिए प्याज में मसाला बिल्कुल वैसा ही है, अगर हम इसे ज़्यादा देर पकाएंगे तो मसाला निकल सकता है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने इसमें पानी कम डाला है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा और पानी डाल करके इसे थोड़ी रसे वाली बना सकते हैं और इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए हमारे मसाले वाले प्याज की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। इसे आप पूड़ी या पराठे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यह आपको पसंद आएगी। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।